नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। फीफा विश्व कप के तीसरे स्थान के लिए कल होगा बेल्जियम और इंग्लैंड का मुकाबला। फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं दोनों टीमें। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा का बयान, टूर्नामेंट के पहले और टूर्नामेंट के दौरान कराए गए डोपिंग टेस्ट में एक भी मामला नहीं आया पॉजिटिव। कराए गए थे 3000 से ज्यादा टेस्ट। लॉर्ड्स मैदान में दूसरे वनडे के लिए आपस में भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीमें। सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, अभी 1-0 से है आगे। पहले वनडे में इंग्लैंड के 6 विकेट छटकाने के बाद चाइनामैन कुलदीप यादव बोले, टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्थान हासिल करने की उम्मीद। भारत के हाथों मिली पहले वनडे मैच में हार से दुखी इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन बोले, स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खेलना है एक चुनौती। तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स का होगा जर्मनी की एंजेलिक केर्बर से मुकाबला। सेरेना ने की केर्बर को हराने की पूरी तैयारी। मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए नए खिलाड़ी रियाद महरेज का बयान, मैं इस क्लब में चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूं। महरेज लीसेस्टर सिटी क्लब से मैनचेस्टर सिटी में हुए हैं शामिल। और फुटबॉल के इंडियन सुपर लीग का खिताब जीतने वाले एटीके ने मोरक्को के मिडफील्डर नासेर मिमोनी के साथ किया करार। एएसएल के 5वें सीजन में एटीके का प्रतिनिधित्व करेंगे मिमोनी। तो ये थी खेल जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।